नमस्कार सुनील कुमार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानको नूतन वर्षर अभिनंदन सहित आज जीवंत आहार को पुनर्बार स्वागत करे। आसंतु आज आम माने पवित्र बाइबल जहाँ द्वितीय विवरणी 4:44 5:1-10 पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग एही क्षणी ओ एही ठारे। जदि आपण पाखरे बाइबल अछि ताहेले मो सहित खोलंतु आ माने मिलित भाबरे ईश्वरंकर वाक्य को पाठ करिबा। एठारे एपर लेखा अछि अनंतर मसा इज्राएल संतानगणर सम्मुखरे एही व्यवस्था स्थापन कले अर्थात मिस्ररु बाहर होई आसीबा समय रे मसा जर्दन पूर्व पारी रे बेथफियर सम्मुखस्थ उपत्यकारे हिस्बन निवासी इमोरियो राजा सिहनर देशरे इज्राएल संतानगण को एही सबु प्रमाण वाक्य और विधि शासन देले। कारण मिस्ररु बाहर होई आसीबा समय रे मसा और इज्राएल संतानगण से राजा को बध करी ताहार और बासनर राजा अगर जर्दन पूर्व दिगस्थ इमोरिया मानकर एही दुई राजार देश अर्थात अर्नन उपत्यका निकटस्थ अरयर अवधि सियोन अर्थात हरमोन नामक पर्वत पर्यंत समस्त देश पुणि असदद पिसगा अध्यस्थित पदाभूमिर समुद्र पर्यंत पूर्व पारिस्थ समस्त पदाभूमि अधिकार करिथिले। तो मसा समस्त इज्राएल लोकमानंकु डाकी कहिले हे इज्राएल मु तुमानक शिक्षार्थे और रक्षार्थे और पालनार्थे आज तुमानक कर्णगोचर रे जो सब विधि और शासन कहुअछि तहिरे मनोजग कर। सदा प्रभु आम मानक परमेश्वर हरेब्रे आम मानक सहित गोटे नियम कले। सदा प्रभु आम मानक पूर्व पुरुष मानक सहित से नियम कले नाही मात्र आज यही स्थान रे जीवित अटुजे आंबे माने आम समस्त सहित ताहा कले। सदा प्रभु पर्वत रे अग्नि मध्यरु तुमानक सहित मुखामुखी कथा कहिले। सेही समय रे मु तुमानकु सदा प्रभुंकर वाक्य ज्ञात करैबा निमन्ते सेही स्थान रे सदा प्रभुंक ओ तुमानक मध्यरे छिडा हेले। कारण तुमे माने अग्नि सकासु भीत हेबारु पर्वत आरोहण कलो नाही। ताहांकर वाक्य एही जथा जे तुमकु दास्य गृह स्वरूप मिसर देशरु बाहर करि आनिछंती आम्बे सेही सदा प्रभु तुमर परमेश्वर अटु। तुमर आउ कौनसी देवता हेबो नाही। तुम्बे आपणा निमन्ते कौनसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिबो नाही। उपरिस्थ स्वर्गरे कि निचस्त पृथ्वीरे कि पृथ्वीर निचस्त जलरे थिबा कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिबो नाही। तुम्बे सेमानंकु प्रणाम करिबो नाही कि सेमानंकर सेवा करिबो नाही जेहेतु आम्बे सदा प्रभु तुम्ब परमेश्वर स्वगौरव रक्षणरे उद्योगी परमेश्वर अटु। जो माने आम्बकु घृणा करंती आम्बे सेमानंकर तृतीय और चतुर्थ पुरुष पर्यंत संतान मानक उपरे पत्रुक अपराधर प्रतिफलदाता। मात्र जो माने आम्बकु प्रेम करंती और आम्बर आज्ञा पालन करंती आम्बे सेमानंकर सहस्त्र पुरुष पर्यंत दयाकारी। पठित वाक्यरे प्रभु आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। आसंतु पठित वाक्य को बुझिबा निमन्ते आम्माने चेष्टा करु। मसा पूर्व दिग आड़ु जर्दन नदीर आर पार्श्वकु दृष्टिपात करी 40 वर्ष पूर्वे इज्राएल सदा प्रभुंक सहित करिथिबा नियमकु पुनर्बार घोषणा कले। मसा कहिले जे मिस्ररु आसीथिबा प्रथम पीढ़ी होरेब पर्वतरे सदा प्रभुंक सहित नियम करिथिले एवं प्रांतर मध्यरे जन्म होइथिबा परवर्ती पीढ़ी मध्य ताहांक सहित नियम कले। मिस्र देशरु इज्राएल मानकु उद्धार करि आनिथिबा परमेश्वर सेमानकु आज्ञा दे कहिले जे सेमाने अन्य कोनसी देवता किमा कोनसी खोदित प्रतिमार सेवा करिवे नाही। किंतु पुरातन पीढ़ीर लोकमाने अर्थात नूतन पीढ़ीर पूर्व पुरुष माने स्वर्ण गोवस्त्र निर्माण करि ताहार सेवा करिबा द्वारा सदा प्रभुंकर एही आज्ञाक पालन करिवारे विफल हेले। एवं वर्तमान पुरुष सेमानकर पूर्व पुरुष मानकर त्रुटि को पुनरावृत्ति न करिबा पाई प्रभु सेमानकु आज्ञा देले। पठित वाक्य रे ईश्वर किए अटंती ताहा सो माने देखु। सदा प्रभु स्वगौरवरे रक्षण उद्योगी परमेश्वर अटंती। ताहांकर उद्योग एक यथार्थ एवं न्याय संगत भाव बा अनुभव जहाँ एक भक्ति एवं विशुद्ध प्रेम स्थान उत्पन्न हुए। इज्राएल लोकमाने अन्य देवतागणर सेवा करिबा
ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସଦୃଶ ଅପରାଧ ଅଟେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ସୁ ଆମମାନେ ଶିଖୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ରହିଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ନିୟମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସେହିଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ପୁରାତନ ସମୟର ଇତିହାସ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଭରସା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଯିଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରବକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହଉ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଉଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।